हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत है साबूदाना से, क्योंकि साबूदाना मैं इसलिए बनाई कि मम्मी पापा को मंदिर जाना है सुबह, तो साबूदाना खिचड़ी में प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, बिना प्याज के वो बन जाता है। तो इसलिए मैं साबूदाना खिचड़ी बनाई मैं नाश्ते में। और ये देखो नीचे आप लोग, वो पापा है, तो सब लोग गाड़ी में बैठ गया है। मम्मी पापा जिया जी और आर्यन भी जा रहा है साथ में। तो पापा गए थे शॉप पे और रास्ते के लिए सब खरीद के लाए, खाने के लिए बच्चों के लिए तो लाए। और अभी देखो पापा भी बैठ गए और ये लोग जा रहे हैं अभी मंदिर अष्ट विनायक। और मैं अकेले हूँ घर पे और पति देव भी चले गए ऑफिस, मैं अकेली हूँ। आर्यन भी जा रहा है, देखो उधर खिड़की से, तो आर्यन भी जा रहा है। मैं नहीं गई क्योंकि मेरा पार्सल आना था मीशो से। ये देखो आर्यन बाय कर रहा है, देखो, अरे दिख ही नहीं रहा है, अरे देखो 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 उधर बाय कर रहा है। अब वो लोग चले गए, तो चलो मैं भी अपना कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। ये देखो वो लोग चले गए, 2 घंटा लगता है जाने में, फिर 2 घंटा आने में। तो चलो दोस्तों, वो लोग तो चले गए, अब मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो ये आर्यन टीवी देख रहा था तो रिमोट पड़ा है बेड पे, उसको रख देती हूँ और फिर चलो मिलती हूँ आप लोग से। ये देखो मेरे टॉम एंड जेरी क्या कर रहे हैं, दोनों शांति से बैठे हैं, एकदम एकदम शांति से बैठे। ये देखो ये टॉम है और वो जेरी है। तो चलो अब मैं चलती हूँ अपने रूम में। और कोई कहीं जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, सब कपड़ा ये सब बेड ओड, तो ये सब मैं अभी हॉल में आई थी चेक करने कि दरवाज़ा ये सब बंद है ना, तो सब ठीक है, अच्छे से बंद है, क्योंकि अकेले रहने पे डर लगता है। तो अभी मैं रूम में आ गई, तो रूम में आ गई तो सब कपड़ा ऐसे ही पड़ा है, सूख गया है, तो उसको सब उठा के अच्छे से फोल्ड करके रख। तो दोस्तों मैं अपने रूम को सही कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद। तो अभी शाम के 5 बज रहा है दोस्तों और मैं आ गई हूँ नीचे। और ये देखो आप लोग, गर्मा गर्म समोसा बन रहा है और ये समोसा लेकर मैं घर आ गई। और घर आई तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, जा घर छोड़ के जा रहा है। तो आर्यन अपना मस्ती कर रहा है बैग के साथ और इसी बीच मेरा पार्सल भी आ गया है, तो देखती हूँ कैसा है। रख रहे हो यार, लायन गया। तो ये देखो आर्यन अपना कल जो है, कल के रूटीन में जो है मंडे को, तो सब अपने बैग में रख रहा है। इधर है इसका, ये देखो टाइम टेबल, ये देखो टाइम टेबल ये है। तो मंडे में जो जो है, ये कल मंडे है, मंडे में जो जो सब्जेक्ट है वो सब आर्यन रख रहा है अभी, देखो बैग में। ये ट्यूशन वाली बैग है आर्यन के और वो स्कूल वाले ना आर्यन। और एक बात दिखाती हूँ आर्यन के एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो ये प्रोजेक्ट था आर्यन के, बना के ले जा, यहाँ देखो प्रोजेक्ट बना के ले जाना था स्कूल में, तो आर्यन लेके गया था फ्राइडे को। हाँ, और ये देखो बहुत ही अच्छा बना है आर्यन बनाया है, और ये चिपक नहीं रहा था तो इससे क्या किए हम लोग, स्टेपलर मार दिए, ये देखो यहाँ यहाँ, तो अच्छा हो गया। और ख़ास बात मैं बताती हूँ आप लोग को, आर्यन स्कूल में ले गया था तब टीचर देखी थी, तो उस पर बोली कि सब लोग अपने अपने इस पे नाम लिखो। तो ये देखो आर्यन नाम लिखा है, उसके बाद टीचर चेक की है कि कैसा बना है, किसका कैसा है। तो ये देखो आप, मैं दिखाती हूँ कि टीचर कितना स्टार दी है। तो ये देखो आप लोग, वाओ टीचर एक्सीलेंट लिखी है, 3 स्टार दी है। वाह आर्यन क्या बात है, हैं मैम ने मेरे को क्लास में बोला था क्या, ये मतलब जैसे मैम ने मेरे को ये दिया ना मार्क्स, हाँ, और मैम ने बोला कि एक बार पहन के दिखाओ जैसे लगता है, पहन के दिखाओ, पहन के दिखाया, एक दांत अंदर है, मुड़ गया क्या, मुड़ गया।
वाह, कैसा लग रहा है? क्लास में मेरे को मैम ने बोला था एक बार ये पेन की दिखाओ, मैंने पेन की दिखाया, फिर मैम ने बोला इसको आप खोलो, मैंने खोला, फिर मैम ने बोला जो बोला है ना मैम ने, हाँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बोलो मैम ने पता क्या बोला, क्या सब लोग सारा लंच दे दो आर्यन को और ताली बजाओ। तो मैम ने बोला था कि सब लोग ताली बजाओ मेरे लिए, अच्छा अरे वाह, अच्छा मार्क्स हो रहे हैं, अच्छा सब पूरी क्लास में ताली बजाए थे। वाह रे वाह, गुड जॉब। वैसे सच्ची में अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, प्यारा बना है। ये देखो आप लोग बताओ कैसा बना है ये। मैं भी हेल्प की हूँ आर्यन को, मैं क्यों, क्योंकि आर्यन से कैची चलती नहीं अच्छे से, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे काट देता है, तो इसीलिए मैं कट की हूँ और आर्यन चिपकाया है। जब भी रैबिट को ऐसे मतलब कुछ ऐसे खतरा सा लगता है ना, और हाँ ऐसे कुछ डरावना से उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं ना, हाँ ये जो उसके कान ही ना, कान ये हाँ जो कान होते हैं ना, मतलब ऐसे एक मतलब वो अपने कानों को ऐसे मोड़ के अपनी आंखें ऐसे बंद कर देते हैं, अच्छा जिससे उनको कुछ दिखता नहीं आगे का, हाँ अंधेरा हो जाता है पूरा, अच्छा इसलिए उनको ना ऐसे कुछ डरावनी सी चीज दिखती नहीं है। और जो डरावनी चीज चल जाती है वो पहले ऐसे उनके ऐसे एक आंख खोलती है, दिखती है तो कुछ नहीं है, तो दूसरी आंख भी खोल देती है। ओ तो चलो रख लो सब, बुक डालो अपने और जब वो बैग में। खुश रहती है ना रैबिट, तो ऐसे ऐसे उसका कान होता है ना, अगर रैबिट ऐसे ऐसे कर रही है ना ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे बहुत खुशी है अभी। लेकिन अच्छा अगर वो रैबिट कुछ ऐसे कर रही है ना ऐसे काप सी दी उसका हाँ कान, समझो गुस्सा है वो, मार दिया। ये जंगली वाला है, अच्छा। जंगली वाला वाइट होता है, और और जो ये जंगली देखो आर्यन जब नर्सरी में था, नहीं सीनियर केजी में था ना बेटा, वो पेंसिल दिखाओ, जब सीनियर केजी में था तो ये बनाया था आर्यन पेंसिल, ये देखो लग रहा है ना एकदम पेंसिल जैसा। अरे कुछ तो टेप तो जैसा हाँ, मारा है तो ये पेंसिल बनाया तो आर्यन, हमारे मैं नहीं पास, मारी हूँ आर्यन, दिखाओ टीचर दी है आर्यन पनवारी, ये मिस्टर, ये टीचर लिखी है, तो ये सब टीचर ने थोड़ी मैं बना के दिया है। बनाई मैं बनाई हूँ, नहीं, स्कूल में टीचर सिखाई थी तुम लोग को, कर रही साफ थी कर रही थी, देख रही थी, तो फिर ये आर्यन के मिला फोटो बचपन के ये नर्सरी देखो। के, तो ये देखो नर्सरी में आर्यन कैसा था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अरे ये रुको देखो, रुको रुको, पहले मैं अपने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और से मिला लेता हूँ। यूनिफॉर्म भी दूसरा था, ये हाँ देखो, यूनिफॉर्म दूसरा था, ये देखो ये वाइस प्रिंसिपल मैम, ये प्रिंसिपल, और ये जब मैं नर्सरी में था तब मेरी स्वाति मैम थी, मेरे को बहुत अच्छी स्वाति मैम, स्वाति मैम से बहुत प्यार करता था आर्यन। हाँ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, और ये मेरा स्कूल है, ये आर्यन के स्कूल है, ये देखो इतना बड़ा, ये, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल पेंगलिकेट्स। तो ये दिख नहीं रहा इसमें, ये देखो न्यू हरिजन पब्लिक स्कूल, तो ये आर्यन, और आर्यन जब छोटा था, अभी तो इस पे थर्ड फ्लोर पे जाता है ना आर्यन, हाँ थर्ड फ्लोर पे, थर्ड पे ना, तो अभी थर्ड फ्लोर पे जाता है आर्यन, और जब आर्यन छोटा था नर्सरी में था तो ये पेंगुइन किड्स में जाता था इसमें, तो ये रही आर्यन के स्कूल, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है टीचर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल। और एक और ये मेरे है पास, आर्यन, एक और एक और मेरे ये पास, आर्यन के सारे फ्रेंड्स है। ये और जब ये फर्स्ट आर्यन फर्स्ट फर्स्ट बार गया था स्कूल तब का नर्सरी का है, और ये आर्यन छोटा सा तो था, मैं फर्स्ट बार कितने कितने साल का था, तो मार्च में हुआ 3 साल, अप्रैल मई जून, 3 साल 3-4 महीने का था ये आर्यन, इसमें 3 साल 3 महीना ऐसे। और जब मैं फर्स्ट बार स्कूल में आता तो एकदम रोने लग गया था, और फिर फर्स्ट दिन तू अच्छे से गया था, हंस के गया था, जब सेकंड दिन गया तब रोने लगा, नहीं जाना है मम्मी, और और फिर मैं फिर ऐसे आर्यन के ये दो तीन देखो फिर मैंने दो तीन दिन गाते जूनियर गाते के जी, जूनियर के जी, जूनियर के जी में थोड़ा आर्यन बड़ा हो गया, तो ये देखो कहाँ है ये यहाँ पे आगे, बैठा हूँ ये देखो ये आर्यन है बड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ पे मेरी दीपाली मैम, स्वाति दीपाली मैम में। चेंज हो गई ना, स्वाति मैम वो दूसरी क्लास में रहती थी, मम्मी कौन से फ्लोर पे रहता था, तू फर्स्ट फ्लोर पे जाता था, इधर ना फर्स्ट फ्लोर, इधर हाँ ना हाँ पेंगुइन किड्स, छोटे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे कहीं पे तो मेरी क्लास है, इधर कहीं पे तो मेरी क्लास है, और ये दीपाली मैम। तो हरेन कैसा लगा तुमको बचपन की यादें, एक और चीज दिखाता हूँ, दिखाओ, और आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना, ये आर्यन मेरा छोटा और सा प्यारा खास मैंने सा, वो पापा के लिए खास चीज लेके आए हो, और वो भी मैंने पिछले साल बनाया था ना, पिछले साल हो, मैं कुछ भी मम्मी ने नहीं किया है, मैंने बस ऐसे इस तरह ग्लिटर विटर उठाया, ग्लू उठाया, एक पापा का फोटो लिया, हाँ पापा का फोटो यहाँ पे चिपकाया, ऐसे कुछ तो ऐसे बना दिया डॉट डॉट स्टार, और यहाँ पे एकदम सिंपल ही लिख दिया हैप्पी फादर्स डे,
डी मैं लिखी हूँ। हाँ डी आपने लिखा। हाँ और ये एक बुक जैसा लिखी थी उसके अंदर कुछ लिख लिया। अभी मैं कुछ लिखने वाला हूँ उसके अंदर। वो दिखा ऊपर से तो बहुत अच्छा बनाया था आर्यन पिछले साल। पिछले साल फर्स्ट क्लास में था आर्यन। तो ये देखो कितने अच्छे से। स्वाति मैम ने हमको सिखा नहीं, दीपाली मैम ने हमको सिखाया था। चलो चलो चलो, कितना टाइम हो गया, 10 बज गया बेटा रात में। तो सब करो जो कल है वो सब डालो बैग में, और मैं ये सब रख देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग तब तक जुड़े रहो ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद ये सब रख के। देखो कैसे फैला हुआ है, फैला हुआ नहीं फैलाए हम लोग। तो ये सब कपड़ा भी रखना है, अभी फोल्ड करके रख दी हूँ कपड़ा, तो अंदर डालना है। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम फटाफट। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो कहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।